अब हम बात करते हैं पंचायत की हार्मफुल एक्टिविटीज की, तो किस तरह से ये डिजीज कॉज करती है या हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले क्या करता है, बात करते हैं फूड की। तो ये क्या करती है, फूड को खराब कर देती है। बहुत सारी फंगस ऐसी होती है जो फूड के ऊपर ग्रो करती है और उसके फूड के नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, एस्परजिलस है, ठीक है। राइजोपस ज़्यादातर ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, तो ये ब्रेड को खराब कर देती है। स्पॉइलेज ऑफ गुड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जिनके ऊपर जो फंगस है वो ग्रो करती है और उसे खराब कर देती है। जैसे कॉटन के लिए, कॉटन के ऊपर ग्रो करती है राइजोपस और म्यूकर। लेदर के ऊपर ग्रो करती है एस्परजिलस। इस तरह से ही लकड़ी के ऊपर भी ग्रो करती है। आपने देखा होगा लकड़ी के ऊपर बहुत सारी फंगस लग जाती है और वो खत्म हो जाती है। फंगस एलर्जी भी कॉज करती है, जैसे एस्परजिलस है, एस्परजिलस के स्पोर्स होते हैं, रस्ट है, रस्ट के स्पोर्स हैं, स्मट हैं, इनके जो स्पोर्स हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं। बहुत सारी जो फंगस है वो डिजीज कॉजिंग है, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये कॉज करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। अब यहाँ पर जितनी भी डिजीज है यहाँ पर ये क्या शो कर रही है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर ग्रो करता है और लेट ब्लाइट कॉज करता है। आपने आलू के ऊपर देखा होगा, आलू ग्रीन कलर का या ब्लूइश कलर का रहता है, ठीक है, वो कौन सी डिजीज होती है, लेट ब्लाइट होती है और वो कौन कॉज करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस कॉज करता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज करता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। लूज स्मट ऑफ वीट कॉज करता है अस्टिलागो ट्रिटिसाई। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स में आपने देखा होगा जैसे सरसों वगैरह के पत्तों के ऊपर व्हाइट कलर की पाउडरी सी रस्ट रहती है, तो वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा, वो उसको खराब कर देती है लीव्स को, ठीक है। लूज स्मट ऑफ वीट, वीट जैसे आपने गेहूं के ऊपर देखा होगा ब्लैक कलर का, मतलब जो उसकी बाली होती है बाली के ऊपर ब्लैक कलर के स्पोर्स लगे होते हैं वहां पर, ठीक है, वो कॉज करता है अस्टिलागो ट्रिटिसाई। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, स्टेम के ऊपर, वीट के स्टेम के ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस आ जाते हैं, वो कॉज करता है पक्सीनिया ग्रामिनिस। एप्पल स्कैब है, जब आपने देखा होगा कि जो एप्पल होता है एप्पल के ऊपर ब्राउनिश कलर का रोटन सा पार्ट आ जाता है, वो कॉज करता है वेंचुरिया इनिक्वालिस। रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट कॉज करता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है अल्टरनेरिया सोलिनी। ऐसे ही बहुत सारे डिजीज हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के लिए भी, तो आप इनको याद कर सकते हैं। एनिमल्स में जैसे एथलीट्स फूड डिजीज है ये कॉज करता है ट्राइकोफाइटन। और हमें डैंड्रफ हो जाता है तो डैंड्रफ भी क्या है, फंगस है, वो कौन कॉज करता है, माइक्रोस्पोरियम फर्फर। अब दो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे लाइकन्स होते हैं, माइकोराइजा है। तो लाइकन्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गी और फंजाई कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और सिम्बायोटिकली एक साथ रहते हैं, उन्हें बोलते हैं लाइकन। इसमें जो एल्गी है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, तो फंजाई उसके साथ एसोसिएट हो जाती है और उससे अपने फूड को ऑब्टेन करती है। और बदले में एल्गी को क्या प्रोवाइड करवाती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसी तरह से माइकोराइजा है, माइको का मतलब होता है हमारी फंगस, राइजा मीन्स रूट्स। इसमें जो फंगस है, फंगस यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। ठीक है, तो फंगस क्या करती है, रूट्स में इस तरह से हुक्स की फॉर्म में अपने पार्ट्स इस्टेब्लिश कर देती है प्लांट्स के अंदर और वहां से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती रहती है। तो ये एंडोमाइकोराइजा भी हो सकती है और एक्टोमाइकोराइजा भी हो सकती है। एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा, जो एक्टोमाइकोराइजा है नाम से ही क्लियर है, वो कहां पर रहती है, सरफेस पे रहती है, प्लांट की सरफेस पे या रूट्स की सरफेस पे रहेंगी और वहां से अपने फूड को ऑब्टेन करती रहेंगी। और जो एंडोमाइकोराइजा है, एंडोमाइकोराइजा
क्या करती हैं, अपने हाइफी को कॉर्टेक्स में, ये जैसे कॉर्टेक्स में रहेगी रूट्स के, और वहां से अपने फूड को ऑब्टेन करती रहेगी। एक टर्म आती है BAM, वैस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा। जो एंडोमाइकोराइजा होता है वो क्या करता है, जब वो कॉर्टेक्स के अंदर रहता है तो इस तरह से वेसिकल्स फॉर्म कर देता है। वेसिकुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा को बोलते हैं, इस तरह से वेसिकल्स फॉर्म कर देता है अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ से एंजाइम सिक्रीट करता है। एंजाइम सिक्रीट करके जो बाहर फूड होगा, फूड वहां पर डाइजेस्ट हो जाएगा। जो फंगस होती है, फंगस ऐसा नहीं करती कि फूड को ऑब्टेन करके अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करती है, ये एंजाइम्स को सिक्रीट करती है और वहां पर इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। ये एंजाइम्स को बाहर सिक्रीट करती है और वहां फूड को डाइजेस्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर वहां पर कॉर्टेक्स के अंदर ये फॉर्म कर देती है, जिनको बोलते हैं BAM। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो माइकोराइजा भी आपको पता होना चाहिए कि माइकोराइजा में फंगस और रूट्स की एसोसिएशन होती है और लाइकेंस में एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन होती है। तो ये किस तरह की एसोसिएशन है, म्यूचुअल एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्टनर बेनिफिट लेते हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक है। अगर एल्गी नहीं होगी तो फंजाई सर्वाइव नहीं कर सकेगी, और फंजाई नहीं होगी तो एल्गी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। इसी तरह से माइकोराइजा होती है। तो फंगस यहाँ पर क्या करती है, रूट से फूड को ऑब्टेन करती रहती है और साथ साथ इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती रहेगी। तो इसी के साथ हमारा जो किंगडम फंजाई है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।